नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आज हमारे पास एक और ऐसा मुद्दा सामने निकल कर आया है जो जनता से ही जुड़ा हुआ है। योगी सरकार प्रदेश में तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फैजाबाद बस स्टैंड की तस्वीरें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहां पर इतनी अव्यवस्था कैसे है, क्यों है और इस पर परिवहन निगम ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट समझिए और इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के एक बस स्टैंड की हैं। यहाँ पर ना पेयजल की व्यवस्था है और ना ही पंखे की। फैजाबाद बस स्टैंड की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। जरा आप इस जर्जर भवन को देखिए, कब गिर जाए पता नहीं। शौचालय भी ऐसा जहां आप नजर डालने से भी कतराएंगे। इतनी बदहाली के बाद भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यात्रियों तक सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम है। आखिर परिवहन निगम क्यों नाकाम है? केंद्र और यूपी की सरकार तो अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिवहन निगम क्यों फेल है? अयोध्या समेत अन्य जिलों की यात्रा करने वाले यात्री फैजाबाद बस स्टैंड का ही प्रयोग करते हैं। निगम के बेड़े में जिले की कुल 122 बसें हैं। यहां से लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, आजमगढ़, वाराणसी, दिल्ली समेत कई जगहों से प्रतिदिन बसों का आवागमन होता है। आंकड़ों के मुताबिक बस स्टैंड पर प्रतिदिन करीब 10,000 यात्री सफर करते हैं। इन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपने यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की जहमत नहीं उठा रहा है। आखिर कब तक यात्री बस स्टैंड पर सुविधाओं से वंचित रहेंगे? तो पैसा पूरा लिया जाता है लेकिन यात्रियों को सुविधाएं तनक भी नहीं दी जाती हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जहां पर शौचालय है वहां का अगर आप रुक करेंगे तो वहां से पहले ही आप बाहर निकल आएंगे, क्योंकि यहां पर भी गंदगी है और उसके साथ ही तमाम जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये बिल्डिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्जर हालत में ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। पंखे तक नहीं है, पानी पीने की सही व्यवस्था नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आखिर अब सुविधा का जिम्मेदार कौन है? ये बड़े सवाल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। परिवहन निगम को असुविधा का ये जिम्मेदार कौन है? परिवहन निगम को असुविधा के लिए खेद नहीं है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो ये सारी सुविधाएं यहां पर चुस्त दुरुस्त होगी। लेकिन सरकार लाखों करोड़ों खर्च कर रही है इन सभी चीजों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं, 10,000 यात्री रोजाना दिल्ली, वाराणसी, कानपुर के लिए यात्रा करते हैं। यहां की ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर किस तरीके से शौचालय बना हुआ है, जर्जर हालत में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसके साथ ही यहां पर कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ आपको बता दें कि यहां पर तमाम तरीके की खामियां नजर आ रही हैं। बैठने के लिए भी सही व्यवस्था नहीं है और इसके साथ ही ये तस्वीरें देखिए, इस शौचालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर बैठने उठने की जगह नहीं है, हर तरफ गंदगी का अंबार है और जर्जर हालत में ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये कभी भी गिर सकती है और तमाम गड्ढे भी यहां पर बने हुए हैं। बरसात के समय यहां पर पानी भी भर जाता है। तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। यात्रियों से पैसे तो वसूले जाते हैं लेकिन जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए परिवहन विभाग को, वो सुविधाएं यात्रियों को नहीं मिल रही हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस स्टैंड पर असुविधाओं का किस तरीके से अंबार देखने को मिल रहा है। आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन सभी चीजों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? यात्रियों को सुविधाएं क्यों प्रदान नहीं की जा रही हैं जबकि योगी सरकार लगातार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हर जिले तक
पैसे पहुंचाए जा रहे हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, लेकिन योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर असुविधाओं का अंबार है। यात्री यहाँ पर रोजाना 10,000 के आसपास पहुँचते हैं, जो अलग अलग जगहों के लिए यात्रा करते हैं। कानपुर, दिल्ली, बरेली, वाराणसी, इन सभी जगह यहाँ से बसें जाती हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर इस जगह को साफ सुथरा क्यों नहीं रखा गया और जो शौचालय है वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। एक तरफ सरकार अयोध्या को चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यात्री बैठते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बस स्टैंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग रोजाना 10,000 के करीब यहाँ से यात्रा करते हैं, आवागमन करते हैं। और शौचालय की भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस तस्वीर को देखिए जरा, किस तरीके से जर्जर हालत में बिल्डिंग बनी हुई है और शौचालय में लोग जाने से परहेज करते हैं क्योंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं वो शौच के लिए इधर उधर भटकते हैं क्योंकि यहाँ के जो शौचालय हैं वो उस हालत में नहीं है कि लोग वहाँ पर उसका प्रयोग कर सकें शौचालय का, क्योंकि तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का शौचालय बना हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको शौचालय की दिखा रहे हैं, जर्जर हालत में इसके गेट हैं और अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था देखिए किस तरीके से है, यहां पर पानी टपक रहा है और गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, और इस तरीके का पानी पीने से हो सकता है कि यात्री बीमार भी पड़ जाएं। लेकिन परिवहन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए, सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन इस पर तनक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है विभाग की तरफ से, अफसरों की तरफ से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और रिपोर्ट के माध्यम से भी हमने समझाया आपको कि किस तरीके से यहाँ की हालत बनी हुई है। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हालत बनी हुई है, और यहाँ पर बैठने उठने तक की सही जगह तक नहीं है, और साथ ही यहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे तक हैं, बरसात के समय पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है, यात्रा करने में भी दिक्कत होती है। और पिछले दिनों हमने प्रतापगढ़ से आपको खबर दिखाई थी जहां पर बस स्टैंड पर जो बसें खड़ी हुई थीं वो जर्जर हालत में थीं, लेकिन अब ये हम फैजाबाद से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस स्टैंड से, ये तस्वीरें देखिए, यहां पर जो स्टेशन बना हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है, वो जर्जर हालत में है। पानी पीने की सही व्यवस्था नहीं है, इसके साथ ही चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो बिल्डिंग है यहाँ पर जहाँ पर यात्री रुकते हैं, अपनी बस का इंतज़ार करते हैं, वो भी जर्जर हालत में है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेंगे, किसकी जिम्मेदारी है, इस पर कौन कब संज्ञान लेगा, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन योगी सरकार लगातार इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। और इस खबर पर आरटीओ अधिकारी राजेश सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है जी, बताएं। राजेश जी, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है बस स्टैंड की, वहां पर गंदगी का अंबार है, पानी पीने की सही व्यवस्था नहीं है, शौचालय जर्जर हालत में है, कहां पे? सर, फैजाबाद बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं। आरपी सिंह, आरटीओ अयोध्या बोल रहा हूँ जी। सर, आपके अंडर में ये चीजें नहीं आती क्या? नहीं नहीं, ये अयोध्या का आरटीओ हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका सर। ओके। लगातार देख रहे हैं।
आर दिखा रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लेकिन चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अयोध्या से। और इस खबर पर हमारे साथ चंदन पांडे अयोध्या से सीधा जुड़ गए हैं। चंदन पांडे, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़ी कर रही हैं, क्योंकि बस स्टैंड पर अगर ये तस्वीरें आप भी देखेंगे, क्योंकि जर्जर हालत में यहाँ पर इमारत बनी हुई है और शौच करने की जगह सही नहीं है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर टाला मटोली कर रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यम, देखिए जिस अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने की सारी कवायद की जाती है, उसी अयोध्या से अगर ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो बहुत ही कष्ट होता है कि सरकार के लाख प्रयास के बाद ही ऐसी स्थिति है वहाँ पर। आप जिन तस्वीरों की बात करें, अयोध्या में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, राम मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या को सजाने संवारने की कवायद तो है, लेकिन उसमें आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं आप अयोध्या के घाटों पर जाइए, अयोध्या के घाटों पर जो आपकी जो पुरानी बिल्डिंग है या जो अयोध्या के घाट को संवारने की कोशिश, उसमें अधिकारियों का लचरपन दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है वो धरातल पर उतनी तरीके से नहीं उतर पा रहा जितनी तरीके से सरकार चाह रही है। यही हाल है कि अयोध्या में जो बिल्डिंगें हैं, आप बसों का परिचालन, एक तो अयोध्या पर्यटक है की वजह से बहुत ज्यादा वहां भीड़ रहती है, और भीड़ की वजह से वहां पर लाखों लोग रोज आते हैं, राम मंदिर जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, सरयू में नहाते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसी स्थिति होना कि जब लाखों पर्यटक आ रहे हैं। ठीक है चंदन, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ राजेश सिंह जी जुड़ गए हैं, आरटीओ अधिकारी। राजेश जी, जो तस्वीरें हमारे पास अयोध्या से सामने निकल कर आई हैं बस स्टैंड की, वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ पर बैठने उठने की जगह नहीं है, शौचालय के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं आरटीओ अयोध्या बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या की ही बात कर रहा हूँ सर। अयोध्या में वहाँ आरएम और एआरएम है रोडवेज में सर, आपकी जो ऑफिस अलग होता है, आपकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बनती इन सब चीजों पर, व्यवस्थाओं को संवारने में। व्यवस्थाओं को संवारने में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया है, अधिकारी पीछे हट रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, एआरएम की जिम्मेदारी है। तमाम तरीके की यहां पर नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं और फोन भी काट दे रहे हैं। हमारे साथ फिर से लगातार चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और अधिकारी जो हैं वो भी यहां पर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कमियां निकलकर सामने आती है तो कौन उनकी जवाबदेही देना चाहता है, क्योंकि देखिए उसमें अधिकारियों की ही नाकामी है कि अयोध्या में इतने प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं, अयोध्या को सजाने के संवारने की बात होती रहती है, और कहीं ना कहीं आज जो कहावत चरितार्थ हो रही है अयोध्या के विषय में कि दिया के तले हमेशा ही अंधेरा रहता है, वही हाल है। अयोध्या को इतना सजाने की कोशिश की जा रही है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, दीपावली इतने भव्य तरीके से मनाई जाती है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां का बस अड्डा देख सकते हैं, बस अड्डे पे कैसे एकदम वीरानी फैली हुई है, कोई रंग रोगन नहीं है, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं है, यात्रियों के आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, वाटर फिल्टर नहीं है, वॉशरूम नहीं है, लोगों को लाख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां से बसों का परिचालन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और अगल बगल के जिलों के लिए वहां से बहुत सारी बसें निकलती है। लेकिन आप जिस अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने की बात कही जा रही हो, उसी अयोध्या में अगर ऐसी स्थितियां हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी और प्रशासनिक जो नाकामी है वो दिखाई पड़ती है सत्यम। चंदन, अगर देखा जाए तो इस बस स्टैंड से कानपुर, वाराणसी तमाम जगह के लिए बसें जाती हैं, रोजाना 10,000 के आसपास यात्री यहां से आवागमन करते हैं और कई श्रद्धालु अयोध्या भी पहुंचते हैं, अयोध्या नगरी को देखने के लिए पहुंचते हैं, जिस तरीके से यहां पर राम मंदिर को वहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर तैयारियां बस स्टैंड पर कुछ भी नहीं की गई हैं, ना शौचालय की सही व्यवस्था है, ना यहां पर बैठने की सही व्यवस्था है, ना पंखा वगैरह यहां पर लगाए गए हैं। सत्यम, अगर आप देखेंगे तो सावन चल रहा है, सावन भगवान शिव का पूरा महीना है और वहां पर
बहुत भीड़ रहती है। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर है, वहां पर लाखों श्रद्धालु इसी सावन में वहां पर जलाभिषेक करेंगे, भगवान नागेश्वर नाथ को जलों से रुद्राभिषेक करेंगे और वहां पर उन्हें नहलाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी जिस योगी जो योगी सरकार कहती रहती है लगातार कि हमने अयोध्या को सजावट संवारने का काम किया है, और जो प्रशासनिक अमला कहता रहता है कि अयोध्या को हम चमकाने में जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस दावे को थोड़ा बहुत लांछन लगा रहा है, उसके ऊपर जो उसकी छवि है वो खराब कर रहा है। क्योंकि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाए जाने के बाद और पूरे सावन वहां लाखों यात्री आएंगे, सरयू में डुबकी लगाएंगे, भगवान नागेश्वर नाथ को देखेंगे, राम मंदिर जाएंगे, हनुमान गढ़ी पे आपने कहा 10,000 के आसपास यात्री रोज, ये तो एक एक्चुअल आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा है जो रजिस्टर में दर्ज है कि लोग इतने आते हैं, उससे कई ज्यादा संख्या में यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। एक तो अयोध्या राम की नगरी है, वहां पर लोग अपनी मान्यताओं को मानने के आते हैं, वहां मुंडन भी बड़े चंदन रोकना चाहेंगे। ARM महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। महेश जी आवाज पहुंच रही आप तक? महेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? महेश जी आवाज पहुंच पा रही आप तक? महेश जी यानी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जब हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो फोन को काट दे रहे हैं, सवाल सुनने से पहले ही फोन को काट दिया जा रहा है। जिस तरीके से हम टीज कर रहे हैं यहां पर लगातार बात कर रहे हैं, चंदन सुन पा रहे होंगे, चंदन लगातार दो अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अपनी जिम्मेदारी एक बार फिर से। महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ पहुंच रही। महेश जी अयोध्या में जो बस स्टैंड है यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है और जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में है। हाँ बताइए सर, इस पर संज्ञान लीजिए। इसमें दरअसल बात यह है कि ये हमारा बस अड्डा जो है सेकंड फेज में है, ट्रिपल पी के, ये आपके अंडर में नहीं आता होगा ये आप कहना चाह रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले जिन अधिकारियों से हमने बात की उनका भी यही कहना था। है इसका जीर्णोद्धार होना है और इसको नया बनना है। बनेगा कब? जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? हादसे का इंतजार कर रहा है क्या प्रशासन? इसकी सूचना बार बार हम लोग भेज रहे हैं, निरीक्षण भी हमारे अधिकारी लोग कर गए हैं और उसमें कुछ एक हफ्ते के अंदर संभवतः उसमें काम चालू हो जाएगा। सर आपने कभी इसका निरीक्षण किया है? आप इस बस स्टैंड पर कभी पहुंचे हैं? हम लोग तो डेली करते क्योंकि हम लोग तो यहीं इसी बस अड्डे पे। तो कैसे आप पहुंच जाते वहाँ पर? तो बिल्डिंग पूरी जर्जर हालत में, आपको डर नहीं लगता वहाँ पर? शौचालय की क्या हालत है वहाँ पर? निष्प्रयोग कर चुके, जो बिल्डिंग जर्जर हालत में है उसको पहले ही हम लोग निष्प्रयोग कर चुके हैं, उसमें कोई यूज नहीं होता आपका। और जो वहाँ पर शौचालय बने उनका भी यूज नहीं होता होगा क्योंकि वो पूरी तरीके से वहाँ पर गंदगी फैली हुई है, वैसे भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। पुराने बने हुए हैं वो नेडा के अंतर्गत है, वो तोड़े जाएंगे। तो शौचालय तोड़े जाएंगे? कब तोड़े जाएंगे? कब नया शौचालय दिया जाएगा? यात्री तो वहाँ पर पूरा पैसा दे रहे हैं आप लोगों को। मुख्यालय का आदेश आएगा, मुख्यालय तोड़वाएगा ऐसे? आपकी कोई जिम्मेदारी सर नहीं बनती है? यहाँ पर यात्री जो पहुँचते पूरा पैसा देते हैं, आपकी तरफ से सुविधाएं क्या दी जा रही है? जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? आपके अंडर में कोई चीज नहीं? वहाँ पर सारे अधिकारी टाला मटोली क्यों कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हटते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने प्रोग्राम में जनता से जुड़े मुद्दे उठाता हूँ, आज हमें ये मुद्दा मिला है, इस पर हम आपसे जवाब चाहना चाहते हैं। और काफी दिनों से यहाँ पर दिक्कत का सामना सवारियां कर रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली इस संबंध में बार-बार पत्राचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका जो पुनरुद्धार हो जाएगा। सर कब होगा? ये तो आज की समस्या नहीं है, बहुत दिनों की समस्या है ये तो। बहुत दिनों से 50 साल पुराना बस अड्डा है। तो कब होगा? आप कह रहे हैं जल्द हो जाएगा, जल्द क्या कोई कब होगा? यहाँ पर यात्री रोज 10,000 के आसपास आवागमन करते हैं, उनके लिए शौचालय की सही व्यवस्था नहीं, पानी पीने की सही व्यवस्था नहीं, बैठने की सही व्यवस्था नहीं, हमारे पास नहीं है। क्या हमारा बिल्डिंग तोड़वाने का या नए बस अड्डा बनाने का अधिकार हमें प्राप्त? शौचालय की साफ सफाई करने का भी अधिकार नहीं होगा क्या? आपने कितनी बार इसकी शिकायत शासन को भेजी है? शिकायत कितनी बार शासन को भेजी है? हम लोगों ने कई सरकार दे दी, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब से भी हमने पत्र लिखवाया और मुख्यालय को शासन को भेजे गए। यानी कि उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे? आरएम साहब ने लिखे, कमिश्नर साहब ने भी लिखे इस पर।
इसका पत्राचार बराबर हो रहा है, जिसके संज्ञान लेते हुए शासन द्वारा इसको अनुमति प्रदान कर दी गई है, शीघ्र ही इसको निर्माण हो जाएगा। कोई टाइम दिया गया? कोई टाइम मुख्यालय से मिलेगा या जो कंपनी बनाएगी उससे मिलेगा तब बता पाएंगे? या इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं, सरकार की पूरी गलती है, उच्च अधिकारियों की गलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार की नहीं, और बात है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाना और स्वीकृति धन आवंटन हो जाना शासन की तरफ से या मुख्यालय की तरफ से, तब उसको बना। छोटा आइटम तो है नहीं, 2-4 हजार का करा दिया जाए। सर हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता वहीं से जुड़े हुए हैं। चंदन, चंदन कोई सवाल आपका? सत्यम, बिल्कुल अधिकारी महोदय से मेरा एक सवाल है कि सरकारी फाइलों में ही सिर्फ अयोध्या का मौसम गुलाबी, अभी कुछ दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह आए थे, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया, लेकिन आप ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, कितना बड़ा जाम लग जाता है सरयू के पुल पर, जो पुराना वाला पुल है। आप उनसे पूछिए कि जो सुविधाएं हैं ट्रैफिक की, ये जो मूलभूत सुविधाएं, अयोध्या के घाटों पर जो शौचालय बने उनकी कितनी सफाई होती, जरा अधिकारी महोदय बताने की कृपा करेंगे, पूछिए जरा इनसे। बताइए सर, शौचालय नेडा कंपनी द्वारा संचालित हैं, जिनका हम लोग कराते हैं और लक्के भेज चुके हैं, जो पुराने हैं गंदे हैं। एक बात बताइए, साफ सफाई नहीं हो रहा, ये बस कह देना कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं या उसके अधिकार क्षेत्र में, ये बस टाल मटोल का ही काम चल रहा है अयोध्या में, क्योंकि लगातार योगी सरकार सख्त अयोध्या को लेकर, लेकिन काम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अधिकारी जी, इसके लिए जो निर्माण है या नया बस बनवाने हैं या शौचालय बनवाने हैं, इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। महिला शौचालय, जो शौचालय जैसे ही नई बिल्डिंग बनेगी उसमें सारी सुविधा प्राप्त करा दी जाएगी, जैसा कि नए बस अड्डा जो हमारा बना हुआ है उसमें सारी सुविधाएं हैं। जो अभी अभी प्रेजेंट में शौचालय बने हुए हैं वहाँ साफ सफाई क्यों नहीं की जा रही है, और जो बैठने उठने की जगह वहाँ दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है? वो तो प्राइवेट कंपनी के अंदर में है, तो क्या सरकार के ऊपर, क्या सरकार का नियंत्रण नहीं है, क्या अधिकारी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी हो गई, सरकार से ही बड़ी हो गई क्या? हालत में है, उनकी रिपेयर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो कंपनी इतनी उसमें कर्मचारी है जो उनको कई बार हमें लिखा भी है और संज्ञान में लिया गया उसे। यानी कि आपकी कोई सुनता ही नहीं, आपका कहने का मतलब ये है जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको ठेका दिया गया है वो आपकी बात ही नहीं सुन रही। कंपनी नेडा कंपनी का बना हुआ है, 50 साल पुराना वो। आप उसको लिखा है, हम लोगों ने बार बार हम लोग उस संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि आपने आपने इतना प्रचार किया इसका है नहीं कर सकते। सर आपने इतनी एप्लीकेशन वगैरह दी है, इसका कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया क्या अधिकारियों की तरफ से? रिप्लाई आया है, रिप्लाई के तहत ही यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त हो गई है नए बस अड्डा बनने की। कब बनेगा सर बस अड्डा, ये तो आप बोल रहे हैं कब, एक तारीख वगैरह होगी ना? तो हम नहीं बता रहे कब बनेगा, तारीख तो दर्शाई गई होगी। जो आपके पास संदेश आया है अधिकारियों की तरफ से, उच्च अधिकारियों की तरफ से, उसमें तारीख का जिक्र तो किया गया होगा कि इस तारीख में? नहीं तारीख का जिक्र नहीं हुआ अभी। यानी कि प्रस्तावित है जिसमें, यानी कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उसी तरीके से अधिकारी बोल रहे हैं, बन जाएगा, कब बन जाएगा इसका कोई पता नहीं। ये बिल्कुल, ये चीज आपको थोड़ा तेज बोलनी चाहिए, जिस तरीके से अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, इस चीज को जरा तेज बोलिए सर, दर्शक भी सुने। क्या बताइए, जो अभी मैंने सवाल किया आप कह रहे कि ये तो मुझे भी नहीं पता कब बन पाएगा। भाई साहब, ये जब टेंडर होगा, टेंडर पास हो जाएगा शासन के स्तर से या मुख्यालय स्तर से, उसके बाद जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा वो कंपनी कितने समय में बनाएगी वो अपना समय देगी। अच्छा ठीक है सर, अगर इस दौरान कोई हादसा होता है यहाँ पर, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, बिल्डिंग क्यों मिलेगी, उसमें कोई रहता ही नहीं, तो कौन हादसा हो जाएगा उसमें? अच्छा, बिल्डिंग के आसपास से लोग तो निकलते हैं, यात्री तो निकलते हैं रोजाना, हजारों यात्री? नहीं नहीं, वो जो बिल्डिंग बीच में है यात्री कहीं जाते हैं, वहाँ पैसेंजरों की जो सुविधाएं के लिए क्या क्या किया है? सत्यम, मुझे लगता है कि अधिकारी महोदय को पता ही नहीं, जो तस्वीरें आई हैं सामने उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसमें जो यात्री हैं उसके आजू बाजू से गुजर रहे हैं, लेकिन सब नदारद है, कहने को सब ठीक है सर। जो जो ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जो जर्जर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसमें मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं, और आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सील है, वहां कोई जाता नहीं है, साफ तौर पर इसमें दिख रहा है कि पार्किंग इसमें की गई मोटरसाइकिल। मुझे लगता है सर, मुझे जो लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि कोई अधिकारी बाहर निकल कर देखता ही नहीं, सब एसी कमरे में बैठे रहते हैं और समय अपना टाइम पूरा करते हैं, शाम को निकल जाते हैं। एसी एक भी नहीं लगा, ये ना बताइए, एसी एक भी नहीं है। तो फिर आपने कैसे बोल दिया ये बात कि वो पूरी तरीके से सील कर दी गई? 24 घंटे ये जर्जर बिल्डिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज वॉच इंडिया पर सारे दर्शक इस तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।
नहीं, ड्राइवर कंडक्टर जो है अपना वाहन खड़ा कर देते हैं, कभी कभी आते हैं जगदू की। अब आपकी बातों से मुझे, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आपकी कोई नहीं सुनता इस हिसाब से वहाँ पर। सत्यम, सवाल तो ये भी बनता है कि अभी तो महोदय जी कह रहे थे कि कोई वहाँ जाता नहीं है, कोई साइकिल नहीं पार करता वहाँ से, कोई गुजरता नहीं है, अभी बाइकें खड़ी हो गई, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गोल मोटर जब आते हैं वो खड़ा कर देते हैं। तो अगर बिल्डिंग गिर सकती है कभी भी और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी आपने बोला कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, सभी को नोटिस जारी कर रखा है ड्राइवर कंडक्टरों को, उस पर चप्पल का रखा, तो कोई ना वाहन खड़ा करे ना यहाँ आए, तो फिर कैसे वाहन खड़ा हो रहे हैं? यानी कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है आपके होते हुए, जबकि आपका ऑफिस वहीं पर है, आप रोजाना देखते होंगे बाहर उतरते जाते, लेकिन फिर भी उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा ना चीजों का। बिल्डिंग शीघ्र गिरने के आसार हैं, शायद एक हफ्ते में गिर जाएगी। बिल्डिंग मुझे लगता है कभी भी गिर सकती है सर, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। चला गया था और वो शीघ्र उसका मोजा मिल जाएगा तो टूटेगी बिल्डिंग। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, आप टाला मटोली क्यों कर रहे हैं साहब? अगर जवाब देना है तो सही से दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, धन्यवाद, हम कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये बिल्डिंग की जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये बहुत जर्जर हालत में साहब, ये कभी भी गिर सकती है, और यहाँ पर नीचे मोटरसाइकिलें खड़ी है, आप कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं जाता। हमारी बात, हाँ, इसको बार बार 2-3 बार हम लोग बराबर रिपीट कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं बिल्डिंग हमारी जगह कभी गिर सकती है। तो फिर चलो, चलो, चलो मैंने मान लिया, आपने आपने 10 बार अपने अधिकारियों को बोला कि यहाँ से जर्जर बिल्डिंग है, इसको दोबारा बनवाइए, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप वहां पर बैठते हैं कि उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाए भाई, जैसे अभी आपने बोला, और उसके आसपास मोटरसाइकिलें ना खड़ी की जाए, क्योंकि बिल्डिंग अगर गिरेगी कभी भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? आप ही होंगे, आप पे सवाल खड़े किए जाएंगे। हमने ऑलरेडी लिखवा दिया है लाल उससे, बिल्डिंग जर्जर है, कोई ना आए ना जाए, फिर भी लोग आ रहे हैं ना, आप चूंकि फिर भी लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर आया होगा, ड्यूटी खड़ा कर दिया होगा। अरे सर, एक गाड़ी नहीं है, सैकड़ों गाड़ी की बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे पास सामने निकल कर आई है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इस लिंक को, यूट्यूब लिंक जब बनेगा, गाड़ियां बनी होंगी, तमाम गाड़ियां खड़ी, देखिए सर। एक सवाल और है सर, हमारे पत्रकार महोदय पूछना चाह रहे हैं जो वाराणसी से जुड़े हुए हैं, पूछिए जी। बिल्कुल सत्य, सवाल तो मेरा ये है अधिकारी जी से कि अभी कह रहे थे कि वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, मैंने कंडक्टर को मना कर रखा है, अभी कह रहे हैं वहाँ बाइकें खड़ी हैं, हम उसको देख रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम लाल पेंट से लिखवा रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम नोटिस जारी करेंगे। अधिकारी महोदय को ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है, असल में अगर उन्हें पता होता और उन्हें मालूम होता कि हमें जवाब क्या देना है, तैयारी नहीं करके आए, बस गलती है कि होमवर्क नहीं करके आए और फंस गए मीडिया के सवालों में, यही इनकी बड़ी गलती है, और ये जवाब नहीं दे पा रहे कि जवाब दे तो क्या दे जनता को। महेश कुमार जी, आवाज नहीं मिल रही, बाइकें खड़ी होंगी तो उनको हम कल से हटवा देंगे और उसको कल से हम चारवार बनवा देंगे ताकि कोई प्लान कर पाए। जी बिल्कुल, कल हम अपने रिपोर्टर को फिर भेजेंगे और पता करेंगे कि इसमें रियलिटी कितना है और आपने कितना अपने कहे के अनुसार धरातल पर चीजों को उतारा है। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी चंदन साझा करने के लिए। लेकिन जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े वो टाला मटोली लगातार करते रहे, अपने ही सवालों में फंसते रहे, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया कि आखिर अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ पर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन महेश जी ने जो बातें साफ रखी हमारे साथ, उनका ये कहना था कि मैंने अफसरों से कई बार अपील की, कई बार लेटर भेजे कि इस बिल्डिंग को बनवाया जाए, यहाँ पर शौचालय बनवाया जाए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जब वो अपने ही सवालों में यहाँ फंस गए कि उन्होंने कहा कि जो जर्जर बिल्डिंग है उसको हमने सील कर दिया है, लेकिन साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी थी, लोग आसपास से निकल रहे थे। सवाल ये कि अगर बिल्डिंग गिरती है, बड़ा हादसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन? और इसके साथ ही जो ये बस स्टैंड है, यहां पर जो गंदगी का अंबार लगा है, शौचालय सही दुरुस्त व्यवस्था में नहीं है, पानी की समस्या है, इस पर कब प्रशासन संज्ञान लेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी, उनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।